दोस्तों, आइए देखते हैं फिर मजा आएगा। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है अनमोल ब्लॉग में। तो गाइस आपको बताना चाहेंगे कि आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे शारदा मैहर मंदिर। शारदा माता मंदिर जो कि छोटे मैहर के नाम से प्रसिद्ध है, हमारे जौनपुर की शान है। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग जौनपुर जिले में इधर पहुँच चुके हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग चलेंगे शारदा माता मंदिर। तो आपको पूरी तरह से वहाँ पर दर्शन करने करके दिखाया जाएगा गाइस। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलेंगे मंदिर की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को बजाइए। और बिना किसी देरी के हम लोग चलेंगे शारदा माता मंदिर की तरफ। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं, ऑटो रिक्शा में बैठे हुए हैं, हम हैं, सनी हैं और इधर आप लोग देख सकते हैं प्रणाम दा हैं। तो गाइस चल रहे हैं, माता जी के दर्शन करेंगे बिना किसी देरी के। ऑटो रिक्शा वाले भैया लेके चलेंगे हमें माता रानी जी के मंदिर में, शारदा मैहर मंदिर। ए गाड़ी स्टार्ट कर। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं मैहर माता मंदिर के द्वार पर, शारदा मैहर मंदिर, छोटा मैहर जिसे बोलते हैं हमारे जौनपुर में। तो आप लोग देख सकते हैं आसपास दुकानें लगी हुई हैं नारियल चुनरी फूल माला की। तो दोस्तों हम लोग भी यहीं से ले लेते हैं नारियल चुनरी और फूल माला। तो चलते हैं दर्शन करने के लिए माता जी का। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जूता और अपना चप्पल उतार दिया यहीं पे, इसके बाद हम लोग यहीं पे हाथ और पैर धो लेंगे, इसके बाद हम लोग चलेंगे मंदिर की तरफ। वहाँ पर चलेंगे हम लोग दर्शन करेंगे, यहीं से फूल माला ले लेते हैं दोस्तों और प्रणाम दा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हाथ पैर धो रहे हैं वो, यहाँ पर वो देख सकते हैं वो धो लें तो मैं धोता हूँ, इसके बाद मैंने भी धो लिया था दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं मैंने भी धो लिया है हाथ पैर, इसी के साथ मैं भी चलूँगा। अब हम लोग यहाँ से फूल माला लेंगे, इसके बाद हम लोग चलेंगे। अब सनी भाई ने कैमरा छोड़ दिया है और वो भी हाथ पैर धोएंगे और इसके बाद चलेंगे दर्शन करने। तो गाइस हम लोगों ने माला फूल खरीद लिया है और हम लोग चलेंगे मंदिर के अंदर दर्शन करने, प्रणाम का भी लेंगे, चलते हैं हम लोग। सो गाइस अब हम लोग चलते हैं दर्शन करने के लिए मंदिर के प्रांगण में, हम प्रवेश करेंगे। पहले यहाँ पर मत्था टेक लिए हम लोग, चलते हैं फिर आगे की तरफ। अब बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। सो दोस्तों देख सकते हैं कि हम लोग चल रहे हैं अब मंदिर के प्रांगण में, प्रवेश कर रहे हैं। देख सकते हैं दुकानें लगी हुई हैं लगातार, प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं, खिलौनों की दुकानें लगी हुई हैं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नारियल चुनरी की भी दुकानें आगे लगी हुई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एकदम बिंदी वगैरह बिक रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर खिलौने बिक रहे हैं। यहाँ पर मैरिज हॉल भी है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना नई नई शादियाँ भी यहाँ पर होती हैं दोस्तों। तो जैसे आप लोग समझ रहे हैं कि आसपास के क्षेत्र से जिसकी भी शादी होती है वो यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर आता है दोस्तों। तो हम लोग अब मंदिर के मेन एरिया में प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों। एकदम शांति वाला माहौल है यहाँ पर, एकदम बहुत ही शांति है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो गाइस अब हम लोग प्रवेश द्वार की तरफ पहुंच चुके हैं और हम लोग यहां से अब प्रवेश करेंगे। आज उतनी भीड़ नहीं है, क्योंकि अगर यही अगर हम लोग सुबह आए होते तो बहुत ही तगड़ी भीड़ होती, या शुक्रवार को आते तो और भी तेज़ भीड़ होती दोस्तों। सो गाइस अब हम लोग चल रहे हैं मंदिर के अंदर, प्रवेश कर चुके हैं गाइस, प्रवेश द्वार से हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, माता रानी के दर्शन करेंगे। तो चलते हैं, पहले वहाँ पर पहुँचते हैं, इसके बाद आपको पूरा प्रांगण भी दिखाएँगे गाइस। देखिए किस प्रकार से सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, लोग देख रहे हैं। तो गाइस हम लोग धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग मैहर माता मंदिर पहुँच रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के गर्भगृह वाले एरिए में, जहाँ पर माता रानी विराजमान हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर प्रसाद दे देते हैं पुजारी जी, वो चढ़ा देंगे और हम लोग आपको दर्शन कराते हैं माता जी का, माता शारदा का दर्शन कराएंगे छोटे मैहर में, मैहर माता मंदिर शारदा, वो आपको हम दर्शन कराते हैं दोस्तों। तो माता रानी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर विराजमान हैं, बहुत ही भव्य रूप में विराजमान है माता। जय माँ शारदा। तो माता आप सभी पर कृपा करें दोस्तों। माता रानी के बारे में मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ की महिमा ऐसी है कि यहाँ पर एक सेठ थे राधे श्याम गुप्त जी, उनको ना ऐसा लाइलाज बीमारी हो गई थी, तो उन्हें डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि आप बच नहीं पाएंगे। इसके बाद दोस्तों सेठ राधे श्याम गुप्त दर्शन करने गए मैहर माता मंदिर सतना मध्य प्रदेश में, वहाँ पर उन्होंने मन्नत मानी कि माता जी अगर मैं सही हो जाऊँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा तो मैं आपका मंदिर बनवाऊँगा अपने क्षेत्र में जौनपुर में, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने नहीं आ पाते कुछ लोग, तो वो दर्शन वहीं पर आपके कर लिया करेंगे। तो इसके बाद वो ठीक हो गए और उन्होंने मंदिर बनवा दिया, माता रानी की कृपा हुई उन पर। तो एक बार बोलते हैं जय माँ शारदा। तो दोस्तों माता रानी के चरण पादुका पर मत्था टेक कर उनसे हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
तो दोस्तों ये वही राधे श्याम गुप्त जी हैं जिन्होंने मंदिर का निर्माण कराया है। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं रामायण भवन में, तो रामायण भवन का आपको नज़ारा दिखाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे आराध्य प्रभु श्री राम यहाँ पर विराजमान है माता सीता के साथ, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। यहाँ पर पूरी तरीके से एक तरीके से राम दरबार यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों, और इसे रामायण भवन बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रामायण भवन लिखा हुआ है, और बहुत ही भव्य मूर्तियाँ हैं। आप लोग देख सकते हैं प्रभु श्री राम की इतनी सुंदर मूर्तियाँ लगी हुई हैं। जय श्री राम। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर और भी भव्य मूर्तियाँ विराजमान है, माता सरस्वती, माता दुर्गा, और यहाँ भगवान नरसिंह की ज़बरदस्त मूर्ति आप लोग देख सकते हैं। सभी को मेरा प्रणाम है दोस्तों, और सभी लोग हम पर कृपा करें, आप पर कृपा करें। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी भव्य मूर्तियाँ यहाँ पर हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस अब हम लोग चल रहे हैं निकास द्वार की तरफ, और मंदिर का प्रांगण आपको दिखाएंगे। बाहर जाने का रास्ता ये है, देखिए दोस्तों। तो गाइस हम प्रणामदा और सनी तीनों लोग चल रहे हैं बाहर की तरफ, और बाहर का रास्ता देखिए सीढ़ियों की तरफ से, हम सीढ़ियों से जा रहे हैं नीचे की तरफ। छोटा मैया है तो छोटी सीढ़ियां हैं। माता जी, माता जी यहाँ पर भी विराजमान है। दूर दूर से भक्त यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, पूर्वांचल के सभी क्षेत्रों से दर्शन करने आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जौनपुर जिले से ही आते हैं, पूर्वांचल के जितना भी क्षेत्र है वहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने। तो दोस्तों यहीं प्रांगण में हमें मिल गए हैं प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी का मंदिर, बहुत ही भव्य है। तो इन्हें भी प्रणाम है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कितना भव्य मंदिर है। यहाँ पर दुर्गा माता का भी मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग हनुमान जी के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर बजरंग बली जी का भी एक मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है। दर्शन करके बहुत ही शांति का अनुभव हुआ है दोस्तों, आप लोग भी देख सकते हैं बजरंग बली जी हमारे उपस्थित हैं यहाँ पर, यहाँ पर विराजमान है बजरंग बली जी। तो बजरंग बली बोलिए बजरंग बली की जय। तो चलते हैं आगे की तरफ, और भी मंदिर आपको दिखाते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं महादेव जी के मंदिर में, हम लोग आ चुके हैं भगवान शंकर के मंदिर में। हम लोग पूजन अर्चन करेंगे दोस्तों, तो आपको दिखाते हैं कि हम लोग पूजन अर्चन कैसे कर रहे हैं प्रभु के। मनोकामना अपनी बता रहे हैं सनी भाई, प्रणव भाई नंदी जी के कानों में कि वो पहुँचाएँगे उन महादेव महाकाल के तक उनकी याचना को, और पूरा करेंगे उनके मनोकामना को हमारे प्रभु शिव शंकर। तो दोस्तों इसके बाद मैंने भी अपनी मनोकामना नंदी जी से कह दी है, अब वो पहुंचा देंगे हमारे महादेव के पास हमारी मनोकामना को। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये शक्तिपीठ को अमर सर्जन करने की दिव्य प्रक्रिया का एकदम रोड मैप है, आप लोग किस प्रकार से सब काम हुआ इसमें दिखाया गया है। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि राधा कृष्णा जी का बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर प्रतिमा विराजमान है, मंदिर भी बहुत ही भव्य है, आप लोग देख रहे हैं। सो गाइस हम लोग मंदिर के प्रांगण में हैं, पीछे राधा कृष्णा मंदिर आपको दिखाया हमने, और हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। यहाँ आंगन जैसा है, मतलब थोड़ा जगह है यहाँ पे, तो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भैरवनाथ जी का भी मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। महाकाली मंदिर, माता संतोषी मंदिर, जय हो माता संतोषी की, जय हो माता काली की। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त व्यू है। यहाँ पर शंकर भगवान हैं, भगीरथ जी हैं, माता गंगा वहाँ पर विराजमान हैं, कामधेनु, और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं शंकर भगवान अपनी जटाओं से गंगा जी को निकाल रहे हैं, भागीरथ जी भी खड़े हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दुकानें लगी हुई हैं, देख सकते हैं फूल माला की दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ पर खिलौने बिक रहे हैं, फूल माला बिक रहे हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं मैरिज हॉल का बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ पर शादियाँ होती हैं, नए नए जोड़े यहाँ पर आकर आशीर्वाद लेते हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि। अब दोस्तों हम लोग मंदिर के निकास द्वार से निकल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं हम लोग निकल रहे हैं। सो गाइस अब हम लोग चल रहे हैं, निकल चुके हैं मैहर माता मंदिर की तरफ से, तो हम लोग चलेंगे घर की तरफ। सो गाइस हम लोगों ने दर्शन कर लिया है माता रानी का, शारदा माता मंदिर मैहर, छोटा मैहर का हमने दर्शन कर लिया है, जो कि एकदम मैहर मंदिर का लगभग टू कापी ही माना जाता है। तो गाइस आपको मैंने भव्य तरीके से वहाँ के एक एक मंदिर के बारे में दिखाया, शारदा माता मंदिर। इसके बाद मैंने आपको रामायण भवन भी दिखाया, जिसमें राम दरबार पूरी तरह से स्थापित थे।
इसके बाद मैंने आपको शिव परिवार का जो मंदिर है वो दिखाया, बजरंगबली जी का मंदिर दिखाया, कृष्ण और राधा का मंदिर दिखाया, तो एक से एक भव्य मूर्तियां आपको देखने को मिली, कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां थी। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कोई भी आइडिया देना हो तो कमेंट में ही बता दीजिए हमको। आप इस वीडियो को गाइस लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को देख के लग रहा होगा क्योंकि ये नए प्रदीप भाई कहाँ से आ गए, तो प्रदीप भाई को कुछ काम था, वो जौनपुर आए हुए थे, उन्होंने हम लोगों को रिसीव कर लिया है, हम लोग उन्हीं के साथ घर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बोलिए मैयर माता की जय।